हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग मैं आपके लिए एक और गेम लेके आया हूँ, जैसे कि आप सभी अभी देख सकते हैं ये एक और गेम है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग एकदम नॉर्मल सी हुई थी गाइस, तो मैं फटाफट से इसे थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। नॉर्मल स्टार्टिंग हुई थी ये, तो यहाँ तक मैं आपको एक मूव पे रोकूंगा। तो गाइस, आप सभी को मैं ये वाला एक स्पेशल मूव दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे वापस से चलना पड़ेगा, रिवाइंड। तो जब जब वाइट ने बिशप को, अपने बिशप को B5 पे लिया था, तो ये वाला क्यों लिया था गाइस? इसलिए क्योंकि जब क्योंकि हम लोग ये खेलने के बाद ये तो मूव आएगा ही आएगा। इससे के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना बिशप भी निकाल सकता है, हमारा भी उसका भी मूव वैसा होगा, तो हमारा भी ऐसा होगा ही होगा। इसके बाद जैसे हम इन दोनों नाइट को पिन कर देंगे और यहाँ का सेंटर का कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट पड़ता गाइस, ये वाले पार्ट है, इधर सपोर्ट पड़ता। यहाँ पे अगर सपोर्ट देखोगे आप, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी दिखाया, ये वाले पार्ट पे सपोर्ट पड़ता एक्स्ट्रा, लेकिन ये वाला जो पार्ट था, ये वाला एकदम खाली हो जाता, जो वाइट के पास ही पूरा कंट्रोल रहता इस चीज का। तो इसलिए ब्लैक क्या करता है, अपने हमारे वाइट के बिशप को पीछे भेजता है। वो पीछे नॉर्मल ऐसे ही जाता है, फिर नॉर्मल थोड़े डेवलपिंग मूव्स, फिर से वो पुश करता है जिससे कि वो पूरी तरह से भाग जाए। तो अब इसमें ये है कि क्वीन साइड कैसल करने में बहुत डेंजरस रहेगा। अगर आप इधर इस पोजीशन में क्वीन साइड कैसल करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा डेंजरस रह सकता है। तो इसलिए अब बिशप पीछे आ गया नॉर्मल, तो अब इधर से उसके पास पड़ता है किंग साइड। नॉर्मल गेम प्लेज अगेन, इतना ही चलता है। फिर से ये अटैक को बाद में डिक्लाइन कर दिया गया था, इस वाला जो ये अटैक था, ये वाला अटैक D4 दिया था, D4 चल के जब दिया गया था, तब वो वाला डिक्लाइन कर दिया गया था। तो ये डिक्लाइन कर दिया गया था, तो सिंपल बिकॉज उसको अपना अपने नाइट को वापस से लेना होगा वापस। अब ये पीछे किस कारण से गया था, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये प्लेयर आपको ये आपकी एक और स्ट्रैटेजी होती है, जो शायद मैं आपको इस बार इसी वीडियो में बताऊं। जो स्ट्रैटेजी आप लोगों की हमारी ये होती है कि कभी भी आपके अपोनेंट को आपका प्लान पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपके अपोनेंट को आपका प्लान पता चल गया, तो शायद वो आपका जो भी आप करने वाले हो उसका तोड़ निकाल सके। हम लोग एक ट्रैप बिछा रहे हैं, वो ट्रैप कर रहे हैं हम लोग किसी एक अपोनेंट को, हम लोग चेकमेट करने वाले हैं, और उसको वो प्लान पता चल गया, तो वो लिटरली उससे बचे जाएगा, उससे अपना एक जल्द दिमाग में स्ट्रेटजी बनाना चालू कर देगा कि वो प्लान से वो बच जाए। तो इसलिए उसने वापस से निकाला। तो ये दोनों ने सेम चीज की। फिर यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि यहाँ पे थे दो अटैकर्स और दो डिफेंडर्स। एज मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी दो अटैकर दो डिफेंडर हो, तो ब्लैक को कोई मुनाफा नहीं होगा, आपको ऐसा ही लगा होगा राइट? बिल्कुल नहीं गाइस। इधर क्या है, जो डिफेंडर्स हैं, ये दो डिफेंडर्स, ये मिलके कम से कम 8 पॉइंट बनाएंगे अगर दोनों हम लोग ले, और ये दोनों डिफेंडर्स मतलब ये दोनों अटैकर्स मिलके टोटल 6 पॉइंट बनाएंगे, तो ब्लैक के पास 2 पॉइंट का मुनाफा हो सकता है। तो इस कारण यहाँ पे व्हाइट बिशप पीछे लाता है, जिससे कि वो तीन डिफेंडर्स कर पाए इस पे सिंपल। फिर वो अपना रुक को लाता है, जैसे नॉर्मल प्रिंसिपल्स ये अटैक दिया जाता है, पता नहीं क्यों, बिकॉज अटैक तो इसलिए दिया गया था कि अगर वो कैप्चर करता है तो हम लोगों को उसका रुक भी मिल सकता है ना रुक, तो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो Cannot say it's a good move, but still, इधर से आप ये गुड मूव ऐसा नहीं कह सकते अगर आप अटैक के दिमाग से सोच रहे हो। अगर आप अभी डेवलपमेंट मूव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपका रुक ऐसे धीरे धीरे करके निकल सकता है, यहाँ से फिर ऐसे, फिर ये पुश करके अगर ये कैप्चर करता है ऐसे करके निकल सकता है वो, तो इस कारण ये अच्छा मूव था। तो ये एक और पुश, तो ब्लैक ने सोचा काउंटर अटैक, कैप्चर, रुक ने कैप्चर किया उसको प्रोटेक्ट करते हुए और उस पर अटैक देते हुए, लेकिन स्टिल उसका रुक था, तो इसलिए उसने अपने रुक को बचाया। क्वीन उधर आई फॉर सम रीजन,
फिर यहाँ पे स्टेंटर कैप्चर हुआ, उसने किया, फिर उसने वो वाला पॉन कैप्चर किया, फिर से वो पीछे गया, पुश वो कैप्चर ये वाला, फिर ये गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा रुक पे अटैक देने थे, बिकॉज ऑलरेडी इसको एक डिफेंडर था और इधर एक अटैकर था, तो कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन अब दो अटैकर है। लेकिन स्टिल गाइस, क्योंकि इधर हुई आप देखेंगे तो इसको कौन कौन अटैक कर रहा है, हमारा एक बिशप अटैक कर रहा था, अभी इसको हमने गिनी दिया, मान लीजिए एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड तो, और इधर एक डिफेंडर था। लेकिन गाइस हम लोग जब इसे मारेंगे तो वो उसके पास कैप्चर होगा, और अगर हम लोग अभी करते हैं, हम लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है, बिकॉज अभी हम लोग पीसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, ब्लैक के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स का एडवांटेज है, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस। तो रुक सेव होता है, वो कैप्चर कर देते हैं, जिससे कि उसका वो जो शेल्टर है ये वाला किंग का, वो जिससे बाहर है कैप्चर करता है, नहीं करता तो एक्सचेंज में नहीं हो जाता। अब उसके पास 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे चेक की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे रुक वो सेव करता है अपने आप को, चेक देता है ब्लॉक। आप सभी को जैसे कि पता है, हम हमेशा, मैंने आप सभी को बता रखा है कि चेक चेक जब आता है हमारा, तो हम लोग कैप्चर ब्लॉक या रन यूज करते हैं। रन में लाइक आप अपने किंग को वापस से कहीं इधर इधर कोई भी सेफ स्क्वायर पे ले जाते हैं इनमें से, उधर ब्लॉक अच्छा मूव था बिकॉज पॉन डिफेंड कर रहा था, तो कैप्चर किया बिकॉज उसको वापस से चेक देना था, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो फिर ये वाला चेक, वो कैप्चर क्वीन हुई, दोनों ने क्वीन एक्सचेंज कर ली, फिर धीरे धीरे पॉन्स को बढ़ाया गया, और यहाँ पे पिन, ये पॉन एक्चुअल में आप सभी पूछ रहे होगे कि ये वाला जो पॉन था, जो ऐसा फ्री में क्यों दिया हमने, ये वाला पॉन गाइस हमने एक्चुअल में फ्री में नहीं दिया है, बिकॉज ये वाला पॉन हमारे इस रुक के लिए बहुत, मतलब हमारे इस ये वाला पिन के लिए एब्सोल्यूट पिन कहते हैं इसे गाइस, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो जाइए मेरे चैनल पे और वीडियोस, मेरे वीडियोस सारे देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो रहा होता है, तो पहले पुश करता है कैप्चर, फिर वो अपना काम करता है, ये सिंपल, यहाँ पे रुक पे अटैक, फिर वो कैप्चर, फिर ये अपने रुक को उधर लेता है, क्योंकि उस पर डबल अटैक कर सकते हैं, वो पीछे जाता है, एक चेक, उसका बिशप गया, उसका बिशप गया, फिर वहां पे अटैक, फिर यहाँ पे वापस से वो एक और चेक आता है वाइट को, पुश यहाँ पे, फिर चेक देने की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे फिर से एक चेक, यहाँ पे वो पॉन पे अटैक, एक और चेक, फिर वो पॉन कैप्चर, फिर ये पॉन कैप्चर, यहाँ पे ये पॉन, इसलिए ये बिकॉज ये वाला पॉन बढ़ जाएगा ना, अगर इस पॉन को हटा दिया तो हमने वे से, तो वो हटा दिया था, तो वो कैप्चर क्योंकि चेक आया था, देन हमने वो पॉन को सेव किया, वो आया चेक दिया बिकॉज किंग हमारा उसको हैंडल कर रहा था, वापस से पुश, पीछे आया वो साइड में, और इधर के इधर ही ये वाला लास्ट मूव था गाइस, इधर के इधर ही इसने रिजाइन, ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप सभी को नहीं दिख रहा होगा बार एज यूजुअल, बट मेरे को दिख रहा है इधर उसके चांसेस हैं 5.7 के गाइस, 5.7% का उसको एडवांटेज है, वो ले सकता है, प्लस हमारे पास 3 पॉइंट्स का एडवांटेज ऐसे आ गया था, तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस कर सकते थे इधर। आपको सिंगल रूप मेट आता ही होगा, नहीं आता है तो जाइए अभी के अभी मेरा चैनल पे देखिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए गाइस। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम बाद क्यों आया हूँ, कम से कम 1-2 महीना या 1-2 हफ्ते हो चुके होंगे वीडियो, ऐसे लर्निंग वीडियो के लिए इतने टाइम बाद मैं इसलिए आया गाइस, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स ढूंढ रहा था, तो ये वो गेम मैंने एक ढूंढा है, तो ये मैंने आप सभी को दिखाया है। और गाइस पजल्स ऑफ द वीक सेक्शन मेरे वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, तो जाइए मेरे पजल्स ऑफ द वीक सेक्शन को देख लीजिए, वहां पे नए नए पजल्स आए तो सॉल्व कीजिए। और एक और बात गाइस, वहां पे एक क्वेरीज का लिए कमेंट सेक्शन भी है, जिधर आप डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज या कोई भी पजल जो आपको नहीं आता है, अगर वो पजल इंटरेस्टिंग हुई, जैसे कि वो 3 या 4 मिनट का मूव हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, तो शायद मैं उस पर वीडियो बनाऊं, अगर नहीं तो मैं उधर के उधर ही कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको गाइज रिप्लाई मिल ही जाएगा, क्योंकि पजल्स फॉर द वीक हर हर हफ्ते होता है, और उसमें एक और नया सेक्शन ऐड हुआ है पजल्स ऑफ द वीक के अंदर ही,
तो उसमें एक है पजल्स फॉर द ईयर, तो उसमें एक अच्छी अच्छी पजल्स है जिनमें अगर जिनको आप सॉल्व करने में शायद आपको टाइम लगे। पजल्स मेटिन 1, 2 और 3 के पजल्स में डाल रखा हूँ, तो उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो तो हर वीक बदलेंगे, तो इसलिए मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन पे हर वीक में कर सकता हूँ क्योंकि मैं हर वीक उनको चेंज करके देखता हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।